हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टाटा स्टील एपी एस्पायरिंग इंजीनियर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई किए थे, एग्ज़ाम्स दिए थे, आप लोगों का रिजल्ट्स आ चुका था, मेल इसके रिगार्डिंग मेल आ चुका था, और उस मेल में ये भी मेंशन था कि आप लोगों को और एक एग्ज़ाम देना होगा जो कि कल्चरल एप्रिसिएशन टेस्ट, जो कि 13 जुलाई तक आपको कम्प्लीट करना था। और ये जब इसका एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आएगा, इसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आप इंटरव्यू राउंड के लिए सिलेक्टेड हुए या नहीं। ठीक है, तो अगर आपने कल्चरल एप्रिसिएशन टेस्ट का एग्ज़ाम दिया है अच्छा से, तो इसके रिगार्डिंग आपके पास मेल आ जाएगा, आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं फॉर फर्दर, जो कि लास्ट राउंड है इंटरव्यू राउंड। ठीक है ना, इसके रिगार्डिंग मेल ज़रूर आ जाएगा। और इंटरव्यू के बारे में बात किया जाए तो मान के चलिए 20 के बाद ही आप लोगों का इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आज का इस वीडियो में आपको इंटरव्यू से रिलेटेड आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाला हूँ कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, अगर मान लीजिए अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो अगर इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो जाता है तो आपको इंटरव्यू के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, किस लोकेशन पे, किस टाइम पे, किस दिन में आपको जाना होगा, सारा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे आपको पता चलेगा, और साथ ही साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना होगा जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे। ठीक है ना, और जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ फेस करना पड़ेगा, वहाँ पे किस टाइप का इंटरव्यू होंगे, किस लेवल में इंटरव्यू होंगे, और कितने राउंड का इंटरव्यू होगा, और कितना टाइम लगेगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, सारा चीज़ आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जब आपका कल्चरल एप्रिसिएशन टेस्ट का जब आपका रिजल्ट आ जाएगा आपके रिस्पेक्टिव मेल में, तो समझ जाएगा आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मेल चेक करते रहिएगा, और साथ ही साथ मैं अपडेट कर दूंगा कि आपके पास मेल आ रहा है या नहीं। ठीक है ना, आपको मेल चेक करते रहना हो, कभी भी आपके पास मेल आ सकता है रिगार्डिंग इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो जब आपके पास मेल आएगा इंटरव्यू के लिए, है ना, तो उस मेल में सारा चीज़ डिटेल्स मेंशन रहेगा कि आपको किस डेट पे, किस टाइम, किस लोकेशन में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ आपको फॉलो करना होगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जिस लोकेशन में आपको बुलाया जाएगा, क्योंकि आप ही लोकेशन सेट किए हो जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था, तो वहाँ पे ऑप्शन दिया होता कि आपको किस जगह में आपको इंटरव्यू के लिए मतलब आप सेटिस्फाइड हो, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिया था जिसमें से आपने सेट किया है। ठीक है, तो जो लोकेशन आपने सेट किया है उसी लोकेशन के बेसिस पे ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आप उस लोकेशन में आपको जाना होगा, और अगर आप चाहते हो कि अपना डेट या तो लोकेशन चेंज करवाना चाहते हो, इंटरचेंज करवाना चाहते हो, कुछ कारणवश होता है ना कि जिस दिन आपको इंटरव्यू के बुलाया जाएगा उस दिन आपको कुछ दूसरा एग्ज़ाम हो गया, या तो कुछ कारणवश आप नहीं जा पाएंगे, और अगर आप चाहते हो कि डेट और लोकेशन चेंज करवाना चाहते हो तो आप ये चीज़ नहीं करवा सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो डेट, जो लोकेशन आपके लिए सेट किया गया है, वही डेट, वही लोकेशन में आपको जाना होगा, आप खुद से चेंज नहीं करवा सकते हो, क्योंकि वो टाटा स्टील वाले सिर्फ एक जन को लेके नहीं चलेंगे, वो सबको लेके चलेंगे, है ना। तो इसलिए वो अगर आप चाहते हो कि लोकेशन चेंज कर दे, टाइम वगैरह चेंज कर दे आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, तो ऐसा नहीं करेंगे वो लोग। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, जब आपके पास मेल आएगा तो मेल में सारा चीज़ मेंशन रहेगा कि आपने जो कल्चरल एप्रिसिएशन टेस्ट वो आपने क्लियर कर दिया है, अब आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्टेड हो, आप इंटरव्यू के लिए जाओगे। ठीक है, तो इंटरव्यू के लिए आपको डेट, टाइम, लोकेशन सारा चीज़ मेंशन किया जाएगा, और साथ ही साथ जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको ले जाना वहाँ पे, वो आपको ले जाना होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना होगा, आपको साइड में स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, एक एक करके मैं बता रहा हूँ, आप एक एक करके नोट कर दीजिएगा, और ये सब डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी करके रख दीजिएगा। ठीक है, पहला आपका रेज्यूमे, ठीक है, जिसको हम लोग बायोडाटा बोलते हैं, रेज्यूमे बना लीजिए, एकदम अच्छा वाला रेज्यूमे बना लीजिए जिसमें सारा चीज़ मेंशन होना चाहिए, फ़ोटो डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सारा चीज़, आपका जितने भी क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, वर्किंग एक्सपीरियंस अगर है तो डालिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, हॉबीज़, इंटरेस्ट, सारा चीज़ डालिएगा, आपका डिटेल्स, सारा चीज़ रेज्यूमे में मेंशन कीजिएगा। ठीक है, आपने जो भी प्रोजेक्ट किया है बीटेक में, प्रोजेक्ट वर्क अगर आपने किया है वो सब ज़रूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ पूछा जाता है वहाँ पे। ठीक है, जो आपका एक्सपीरियंस है वही डालिएगा, नहीं तो डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो फ्रेशर है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्सपीरियंस डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कहीं भी काम किया है, काम कर रहे हो, तो वो चीज़ ज़रूर मेंशन कीजिएगा रेज्यूमे में। ठीक है, तो रेज्यूमे एकदम प्रॉपर रेज्यूमे बनाइएगा ताकि उन लोगों को अच्छा लगे, एकदम आई कैची वाला रेज्यूमे लगे। ठीक है, और रेज्यूमे में वही डिटेल्स डालेगा जो आपको पता हो, जिसके बारे में आपको पता है, जो तो मन चाहे रेज्यूमे में डिटेल्स मत डालेगा, क्योंकि
अगर आप जो तो डिटेल्स आप डाल दोगे और उसी में से अगर एचआर जो वहाँ के जो एचआर है अगर आपसे पूछ लेता है कि आप जो रेज्यूमे में जो आपने डिटेल्स डाला अगर उसमें से अगर कोई भी क्वेश्चंस अगर आपसे पूछ लेता है और अगर आप नहीं बता पाते हो तो वहीं पे आपका इम्प्रेशन ख़राब हो जाएगा, है ना। तो इसलिए जो आपको पता है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वही चीज़ डालिएगा, नहीं तो डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रेज्यूमे बना लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर रेज्यूमे मांगा जाएगा, एकदम परफेक्ट रेज्यूमे बनाइएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे 10th का मार्कशीट और एडमिट कार्ड का जो ओरिजिनल है वो ले लीजिएगा, साथ ही साथ जेरोक्स कॉपीज ले लीजिएगा। अगर आपने 12th किया है तो 12th का मार्कशीट एडमिट कार्ड का ओरिजिनल एंड जेरोक्स कॉपीज ले लीजिएगा, 3-4 कॉपीज जेरोक्स ले लीजिएगा। ठीक है, और जो अगर आपने 12th के बाद बीटेक किया है तो बीटेक का पास आउट जो सर्टिफिकेट है, अगर आपको आपके कॉलेज में अगर आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिल जाता है, डिग्री सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो वो ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट ले लीजिएगा और ओरिजिनल मार्कशीट्स वगैरह ले लीजिएगा, ओरिजिनल माइग्रेशन ले लीजिएगा एंड ओरिजिनल CLC ले लीजिएगा। ठीक है, ये ज़रूर ले लीजिएगा अगर आपने 12th के बाद बीटेक किया है, फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक। ठीक है, सारा चीज़ का मार्कशीट, फर्स्ट से लेकर 8th सेमेस्टर तक का मार्कशीट, एडमिट कार्ड, भले 8th सेमेस्टर का, वैसे बहुत ऐसा स्टूडेंट है जो 8th सेमेस्टर में किसी किसी का प्रोजेक्ट रहता है या तो 8th सेमेस्टर में किसी किसी का एग्ज़ाम होता है, जिनका 8th सेमेस्टर में एग्ज़ाम हुआ था वो लोग एडमिट कार्ड और मार्कशीट ले लीजिएगा। ठीक है, और अगर जिनका 8th सेमेस्टर में प्रोजेक्ट हुआ तो उनके लिए एडमिट कार्ड ले जाने का, एडमिट कार्ड तो मिलता ही नहीं है, तो आप सिर्फ मार्कशीट ले जाइएगा। ठीक है, और ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट, CLC एंड जो आपका माइग्रेशन है वो सब ले लीजिएगा। ठीक है, और अगर जो लोग अभी 2023 में पास आउट हुआ है, अगर आपके पास सारा मार्कशीट है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो सब आपको लेना ही होगा, और ओरिजिनल विद जेरोक्स कॉपीज। और अगर आपका डिग्री सर्टिफिकेट अगर आपका नहीं बना है तो आप कॉलेज से एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनता है, वो कॉलेज से प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, डिग्री सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट और CLC भी बनवा लीजिएगा, ये सब आपको ले जाना होगा। ठीक है, वहाँ पे इंटरव्यू के टाइम में, ओके, ओरिजिनल एंड जेरोक्स कॉपीज दोनों ले जाना होगा। ओके, एंड रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। ओके, आप जहाँ से बिलोंग करते हो वहाँ का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, आधार कार्ड का ओरिजिनल एंड जेरोक्स कॉपीज ले लीजिएगा, पैन कार्ड का भी ओरिजिनल एंड जेरोक्स कॉपीज ले लीजिएगा, फोटोज़ ले लीजिएगा, पासपोर्ट फोटोज़ ले लीजिएगा, 5-6 कॉपीज़ फ़ोटोज़ ले लीजिएगा। ठीक है, ये हुआ नॉवल कैंडिडेट नॉन एम्प्लॉय वार्ड। और जो लोग एम्प्लॉय वार्ड से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने एम्प्लॉय वार्ड के थ्रू अगर आपने अप्लाई किया है तो आपके पेरेंट्स का गेट पास या तो मेडिकल का जो मेडिकल बुक बनता है वो सब ज़रूर ले लीजिएगा। ठीक है, जिन्होंने एम्प्लॉय वार्ड के थ्रू अप्लाई किया है, ठीक है, तो आपके पेरेंट्स का जो एम्प्लॉय गेट पास है वो ले सकते हो, या तो आप जो मेडिकल बुक है वो आप ले सकते हो, ओरिजिनल एंड जेरोक्स कॉपीज़। ठीक है, ये आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है, तो मैंने स्क्रीन में आपको बता दिया, सब कुछ आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आप आते हैं मेन इंटरव्यू राउंड में, तो अब आपको इस जो डेट जो लोकेशन में बुलाया जाएगा वहाँ पे आपको पहुँचना होगा। पहुँचने से पहले और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो एकदम प्रॉपर ड्रेसअप होकर जाएगा, फुल्ली फॉर्मल में जाएगा। ठीक है, जो तो ड्रेस पहन के मत चल जाइएगा, क्योंकि ड्रेस से ही उन लोगों को पता चल जाता, आपका इंप्रेशन पता चल जाता है इंटरव्यूअर को। ठीक है, क्योंकि वहाँ जो इंटरव्यू होंगे ना, बहुत ही हार्ड लेवल के इंटरव्यू होंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हाँ नॉर्मल इंटरव्यू हो जाएगा तो आपका ऐसे ही सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वहाँ जो इंटरव्यू राउंड होंगे बहुत ही हार्ड इंटरव्यू राउंड होंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका अच्छा इंटरव्यू हो तो आप प्रॉपर ड्रेसअप में जाइएगा। ठीक है, एकदम प्रॉपर फॉर्मल में जाइएगा, जो तो ड्रेस मत पहन लीजिएगा। ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, प्रॉपर फॉर्मल अटायर में जाइएगा। ठीक है, ये आपका क्लियर हो चुका है। डॉक्यूमेंट्स सारा कैरी कीजिएगा, रेज्यूमे कैरी कीजिएगा। ठीक है, तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपको बैठाया जाएगा। ठीक है, वहाँ बैठाया जाएगा, जहाँ पे आप एक रूम में बैठाया जाएगा, जहाँ पे आपको 2 पैनल या तो 3 पैनल दिखने को मिलेगा। ठीक है, 3 पैनल या तो 2 पैनल ज़्यादातर दिखने को मिलता है, या तो अधिकतर 3 पैनल वहाँ पे दिखने को मिलेगा। पहला आपका HR रहेगा और दूसरा आपका टेक्निकल रहेगा। ठीक है, HR में 2 जन रह सकता है और टेक्निकल में 4 जन रह सकता है, या तो टेक्निकल में 2 जन रह सकते हैं। ठीक है, इंटरव्यू के लिए तो पहला जब आपका राउंड होगा वो है आपका HR राउंड। ठीक है, तो HR राउंड में आपसे मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और थोड़ा बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। HR राउंड में जैसे आपसे पूछा जाएगा, आपका रेज्यूमे मांगा जाएगा, रेज्यूमे मांगने के बाद आपसे पूछा जाएगा प्लीज़ टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, तो आप अपने बारे में बता दीजिएगा, माय नेम इज़ ये, आई बिलोंग टू ये फलाना ठिकाना जगह से आप बिलोंग करते हो, माय एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है, माय हॉबीज़, माय इंटरेस्ट एंड आपका ये क्या है, सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। तो आप ये सब बताइएगा इंटरव्यू में। ठीक है,
ये सब बताने के बाद अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर अगर आप फ्रेशर हो तो आप जो भी रिज्यूमे मेंशन किया, जैसे आपने क्या प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको बताना होगा, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हो तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड बताइएगा। अगर आपसे पूछा जाता कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है जो आपने बीटेक में पढ़ा है या तो आपने डिप्लोमा में पढ़ा है, तो आपको वो सब बताना होगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, डिप्लोमा से याद आया, जिन्होंने डिप्लोमा करके ट्वेल्थ किया सॉरी बीटेक किया है, तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट्स वगैरह सब कुछ ले लीजिएगा। डिप्लोमा का फर्स्ट से लेकर सिक्स सेमेस्टर का मार्कशीट, एडमिट कार्ड का ओरिजिनल एंड जेरोक्स कॉपी सब कुछ ले लीजिएगा, ठीक है। माइग्रेशन और सीएलसी तो कॉलेज में जमा हो जाता है, तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है जब आप बीटेक करते हो, तो उसका लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बीटेक का अपना माइग्रेशन और सीएलसी ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्लियर हो चुका। तो आपसे एचआर आपसे यही सब क्वेश्चंस पूछेंगे, फिर आपसे पूछेंगे आप क्यों इस कंपनी में काम करना चाहते हो, इस कंपनी के बारे में आपको पता है कि नहीं ये बताइए। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपका सैलरी एक्सपेक्टेड क्या है, आपके कितना सैलरी लेना चाहते हो, तो ये सब आपसे पूछ सकते हो। तो सीधा सीधे आंसर बताइएगा कि सर मैं सैलरी के बेसिस पे नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे ज्वाइन इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे इस कंपनी से मुझे ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ पता चलेगा मुझे, और यहाँ पे काम करने से मुझे मैं वेल ट्रेंड हो जाऊँगा, है ना। तो ये सब आप बता सकते हो वहाँ पे एचआर को, ठीक है ना। और एकदम प्रॉपरली आंसर दीजिए, टू दी पॉइंट आंसर दीजिए, जो घुमा फिरा कर आंसर मत दीजिए, ठीक है। टू दी पॉइंट आपको आंसर देना होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको बताना होगा। और भी आपसे पूछा जा सकता है कि आपसे ये भी पूछा जाता है आर यू विलिंग टू वर्क ओवर टाइम या तो नाइट शिफ्ट या तो डे शिफ्ट, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। आर यू वांट टू रिलोकेट, आप रिलोकेट करना चाहते हो या नहीं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, अगर आप फ्रेशर हो तो। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आप एक्सपीरियंस से आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने जहाँ काम किया उस काम जिस जगह में आपने काम किया है वहाँ का बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो फिर आपसे पूछेगा कि आपने वो कंपनी क्यों छोड़ा है, उस कंपनी और इस कंपनी में डिफरेंस क्या है ना, सारा चीज़ आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और आपसे ये भी पूछा जाएगा, ठीक है, कि मान लीजिए आपको यहाँ पे जॉब मिल गया, फिर फर्दर फ्यूचर में अगर आपको इससे बेटर अगर जॉब मिल जाता है विद बेटर पैकेज के साथ, तो आप क्या करना चाहते हो, ये सब आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ये सब ध्यान रखिए, ये सब पहले से तैयार करके रखिएगा। और हाँ, जो भी आप आंसर दोगे टू डी पॉइंट होगा और आपका खुद का आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप अभी से तैयारी करना चाहते हो इंटरव्यू के लिए तो गूगल का आंसर मत बताइएगा, ठीक है, मतलब गूगल में जो आपको आंसर दिख रहा है वो सब का आंसर मत बताइए, खुद से बना के आंसर प्रिपेयर करके वहाँ पे जाके वो सब चीज़ आपको बोलना होगा, ठीक है। और हाँ, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, व्हाई शुड आई हायर यू, ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैं क्यों आपको हायर करूँ, आप में क्या एक्सपीरियंस, आप में क्या है जो कि मैं आपको हायर करूँ, यह भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये सब जो मेन क्वेश्चन है आपसे पूछे जा सकते हैं। और हाँ, इतना कैजुअल मतलब उतना हार्ड, देखिए एचआर राउंड जो रहता है उतना हार्ड रहता नहीं है, एकदम नॉर्मल जो क्वेश्चन है वो हिसाब आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। मेन रहता है आपका टेक्निकल राउंड जो कि थोड़ा हार्ड रहता है, ठीक है। और हर एक राउंड जो रहता है एटलीस्ट 15-20 मिनट्स इंटरव्यू लगता है, मतलब क्वेश्चन मतलब टाइम लगता है। एचआर राउंड में 15-20 मिनट्स लगता है और टेक्निकल राउंड जो है वो भी 15-20 मिनट्स लगता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको पहले से रेडी करके रखना होगा, तैयार करके रख लीजिएगा। हाँ, और जो लोग एक्सपीरियंस वाले हैं, जो लोग कहीं भी काम किया है, तो उनसे कंपनी का जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है वो भी सब भी पूछा जा सकता है आपसे, है ना, जो एक्सपीरियंस्ड वाले बंदे हैं, ठीक है। और हाँ, आपसे हाँ गैप जस्टिफिकेशन पूछा कर सकता है। मान लीजिए आपने बीटेक किया, बीटेक करने के बाद आपने एक साल आपने कुछ किया ही नहीं, दो साल आपने कुछ किया ही नहीं, आपने घर में बैठा रहा, उसके बाद आपको यहाँ पर कंपनी में ज्वाइन मतलब ये मिला, इंटरव्यू का मौका मिला, तो आपसे ये पूछा जा सकता है। तो आपने जो इतना एक या दो साल का जो गैप था उसमें आपने क्या किया है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ओके। तो ये सब रहा आपका एचआर राउंड, जो कि आपसे ये सब वगैरह क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे, ठीक है। और हाँ, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो एचआर और जो टेक्निकल राउंड में जो सर लोग रहेंगे वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड वाले होंगे, ठीक है। तो ये नहीं कि हाँ आप जो भी आंसर दोगे एकदम हंस के खुल के एकदम इन्जॉय वे में आप बोल दोगे, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। जो भी आप आंसर दोगे टू दी पॉइंट आंसर दीजिएगा, एकदम वेल प्रॉपरली वेल बिहेव्ड आंसर दीजिएगा, ठीक है, ओके। ये आपका तो आपका एचआर राउंड क्लियर हो चुका है। तब एचआर राउंड क्लियर हो जाने के बाद फिर आपको टेक्निकल राउंड में बुलाया जाएगा, ठीक है। तो टेक्निकल राउंड थोड़ा हार्ड रहता है ना। तो टेक्निकल राउंड में बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि आपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपने क्या किया, बीटेक में आपने क्या प्रोजेक्ट के लिए काम किया है ना, ये आपसे पूछा जाता है जो फ्रेशर है, ठीक है। आपसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या, आपका कोर ब्रांच के हिसाब से आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है,
तो स्टूडेंट्स लोग जो आप सब्जेक्ट के बारे में बताओगे ना, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पहले आप रेडी कर लीजिएगा, सारा चीज़ इंफॉर्मेशन जान लीजिएगा। कि मान लीजिए आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स आपको पसंद है, ठीक है, तो आप थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड ही आप थोड़ा तैयारी कर लीजिए। अगर आपको थ्योरी ऑफ मशीन के बारे में अगर आपको आइडिया है, तो थ्योरी ऑफ मशीन के बारे में थोड़ा बहुत जान जान लीजिएगा। उसके बाद ही उनको बताइएगा कि हाँ सर, मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है। जो तो मन चाहे सब्जेक्ट मत बता दीजिएगा, ये सिर्फ मैं एक ब्रांच का नहीं बता रहा हूँ, बाकी जितने भी ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल हुआ, सिविल हुआ, बाकी जितने भी ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको जो ब्रांच के जो सब्जेक्ट के बारे में पूरा डिटेल नॉलेज आपके पास है, उस सब्जेक्ट का ही नाम बताइएगा, ताकि उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन कर पाए और आप उसका क्वेश्चन का जवाब दे पाओ, ठीक है। जो तो मत बता दीजिएगा, ठीक है। और आपसे आपका जो ब्रांच है, आपके ब्रांच से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चंस पूछे आएंगे, ठीक है। कोई भी कुछ भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अगर जो मैकेनिकल के बंदे हैं, मैं आपको बता दूँ, आपसे आयरन कार्बन डायग्राम पूछा जा सकता है, गियर पिनियन इस ये सब से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है, RAC जो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग जो ये सब्जेक्ट है, उससे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये सब थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, ठीक है ना। और जो अदर ब्रांच के जो स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा आप लोग अपना टॉपिक्स जो है, जो आपका सब्जेक्ट है, वो सब थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि टेक्निकल राउंड में यही सब से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर हाँ, आपको ये भी बोला जा सकता है, मान लीजिए इस रूम में आपको क्या चीज़ ऐसे लग रहा है जो मैकेनिकल वर्क काम कर रहा है या तो इलेक्ट्रिकल वर्क में काम कर रहा है, ठीक है। तो आपको जस्टिफाई करना है कि कैसे काम कर रहा है, सारा चीज़ आपको एक बार जान लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर पूरा रूम में, मान लीजिए आप जहाँ पर इंटरव्यू दे रहे हो वहाँ पर AC है, तो आपसे पूछा जा सकता है, तो इस AC का वर्किंग प्रिंसिपल बताइए, या तो मैकेनिज़म बताइए, ठीक है, फ़ैन का मैकेनिज़म बताइए, वर्किंग प्रिंसिपल बताइए, ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ आपको एकदम आंसर देना होगा, टू दी पॉइंट एकदम आंसर देना होगा, एकदम प्रॉपरली आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। मतलब ये मत हो जाए कि आप डर रहे हो, आप जिसका ना आप बोल नहीं पा रहे हो, हकला रहे हो, ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा। एकदम काम डाउन होकर, आराम होकर, आराम से आप ये सब क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ जो जो रहता है आपका इंटरव्यू राउंड में, जो आपका HR और टेक्निकल राउंड होता है, ठीक है। तो और ये सब चीज़ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और जो लोग एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, तो एक्सपीरियंस वाले से तो और भी क्वेश्चंस दागेंगे, जैसे आपने जहाँ काम किया है उस काम के बारे में बताइए, वहाँ के जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या क्या है वो क्या है, ठीक है ना। आप में उस कंपनी और इस कंपनी का डिफरेंस क्या है, आप उस कंपनी को क्यों छोड़ना चाहते हो इस कंपनी के लिए, ये सब से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और आपसे ये भी पूछा पूछा जा सकता है, चलिए बताइए थोड़ा टाटा स्टील के बारे में, आपने टाटा स्टील के बारे में क्या जाना है, टाटा स्टील क्या मैन्युफैक्चर करती है, टाटा स्टील का जो भी प्रोडक्ट्स है कहाँ कहाँ यूज़ होता है, सारा चीज़ आपसे ये सब पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ नोट करके रखिए, ठीक है ना। और ज़रूरी नहीं है कि हाँ कि जो मतलब और ज़रूरी नहीं है कि हाँ जो मैं आपको क्वेश्चंस बताया हूँ आपसे वही क्वेश्चंस पूछे, मैं तो एज अ हिंट के तौर में आपको बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वही क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, कोई भी कुछ भी क्वेश्चंस कर सकते, क्योंकि ये इंटरव्यू है ना कि कोई रिटन एग्जामिनेशन है। जो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तैयारी कर लोगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, है ना। अगर आप बहुत आपको YouTube में वीडियोस मिल जाएंगे इंटरव्यू से रिलेटेड, ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस, है ना, आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगे YouTube में। अब भले आप तैयारी करो, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपसे वो सब क्वेश्चंस पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि ये इंटरव्यू है ना एग्ज़ाम है। अगर आप एग्ज़ाम देने जाते, रिटन एग्ज़ाम होता तो वो अलग बात था, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस प्रिपेयर करके आप चल जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता। बट ये जो इंटरव्यू है, इसमें उनके मूड के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो क्या क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। वो तुरंत क्या क्वेश्चंस दाग देंगे आपको खुद ही पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो यही रहा आपका इंटरव्यू राउंड, जो आपसे यही सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जब आपका HR और टेक्निकल राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बोलेगा थैंक यू, और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप उनसे क्वेश्चंस कर सकते हो, और अगर नहीं रहा तो आप थैंक यू बोल के आप वहाँ से निकल सकते हो, ठीक है। जब आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा, फिर कुछ दिन बाद, एक दो हफ्ता बाद, फिर आपके पास मेल आएगा कि आपका इंटरव्यू क्लियर हुआ है या नहीं। अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता तो आपके पास मेल आएगा कि आपका इंटरव्यू जो है वो क्लियर हो चुका है, अब आपको मेडिकल राउंड के लिए जाना होगा। तो मेडिकल में बेसिकली आपका आईसाइट, ब्लड प्रेशर, है ना, यही सब चीज़ चेकअप होता है, हाइट वेट चेकअप होता है, ठीक है ना। और ये सब अगर आपका क्लियर रहा तो आपको ज्वाइनिंग के लिए बोला जाएगा, जो कि आपको एक डेट दे दिया जाएगा मेल पे कि आपको इस डेट से आपको ज्वाइनिंग करना है, ठीक है। तो यही रहा जो इंटरव्यू है, जो डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर किया है।
डॉक्यूमेंट्स याद रहिएगा, डॉक्यूमेंट जो आप पहले से रेडी करके रख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़रूर होगा वहाँ पे, ठीक है ना। फोटोज़ वगैरह सब कुछ ले लीजिएगा। मैंने जो जो टॉपिक क्वेश्चंस बताया, एचआर में क्या पूछा जा सकता है, टेक्निकल में क्या पूछा जा सकता है, ये सब एक बार रेडी करके रख लीजिए, ठीक है ना। एक बार घर में खुद से प्रैक्टिस कीजिए, है ना, घर में एक बार आईना के सामने खड़े होकर खुद से प्रैक्टिस कीजिए कि मैं कैसा बोल रहा हूँ, किस वे में बोल रहा हूँ। और हाँ, बेटर यही रहेगा जब आप इंटरव्यू में जब आप आंसर दोगे तो इंग्लिश में आंसर दें, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप इंग्लिश में आंसर दोगे तो वहाँ इंप्रेशन आपका ख़राब नहीं रहेगा, आपका इंप्रेशन और अच्छा होगा। हिंदी में भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इंटरव्यूअर जो है ना थोड़ा वो ये करता है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि आप जो आंसर तो थोड़ा प्रॉपर वे में, थोड़ा इंग्लिश वे में थोड़ा आंसर दो तो बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो बस यही चीज़ जो है आपको फॉलो करना है इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना। अभी से प्रिपेयर हो जाइए, अच्छे से प्रिपरेशन हो जाइए, भले आपका कल्चरल अप्रिसिएशन टेस्ट क्लियर हो या ना हो, अगर आपका क्लियर हो जाता तो अच्छी बात है ना। अभी तो आपको पता नहीं चलेगा, बट फिर भी अभी आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाइए, ठीक है। और अगर आपका क्लियर हो जाता है कल्चरल अप्रिसिएशन टेस्ट, तो आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो, आप इंटरव्यू के लिए अच्छे से अपना इंटरव्यू दे सकते हो, ठीक है। तो बस यही चीज़ है, मैं आपको आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। प्रॉपर ड्रेस में जाइएगा, एकदम फॉर्मल होकर जाइएगा, और जो भी क्वेश्चंस करे उस क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दे दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा वो लोग कन्फ्यूज़ कर सकता है कि हाँ कि भाई आपने जो आंसर दिया आपने वो आंसर सही दिया है कि नहीं, ठीक है ना। आपसे खुद भी ये भी पूछ सकता है, आपने जो आंसर दिया आपने सही बताया कि नहीं ये बताइए, तो आप उस टाइम कन्फ्यूज़ हो जाओ, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलिएगा कि हाँ मैंने आंसर सही दिया है, ठीक है। अगर आप गलत आंसर दे तो वो अलग बात है, तो थोड़ा इंप्रेशन डाउन हो जाता है, ठीक है ना। अगर और हाँ, ज़रूरी नहीं कि आपको एकदम स्ट्रिक्ट वे में पूछेगा कि हाँ ये आंसर बताओ, आपको डांटेगा, ये सब कुछ नहीं। वो लोग आपसे हंस हंस के बात करेंगे, एकदम फ्रैंकली आपसे बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो लोग भी एक्सपीरियंस बंदा है, तो उनको पता होगा एज अ फ्रेशर ये लोग स्टूडेंट है, उनसे ज़्यादा मतलब हार्डली वे में बात नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ रहा, थोड़ा टाटाशील का कल्चरल के बारे में थोड़ा जान लीजिएगा, प्रोटोकॉल्स क्या मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ का, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या थोड़ा बहुत जान लीजिएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करता है आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर अगले कंटेंट के साथ रिगार्डिंग कल्चर एप्रिसिएशन टेस्ट रिजल्ट को लेकर। थैंक यू।